नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षद गुलाटी वायरल वर्सेस फैक्ट न्यूज में एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। भारतीय सरकार ने वायु सेना में नए विमानों की भर्ती की है, जिससे अब भारत का डिफेंस और भी ज्यादा कड़ा हो जाएगा। क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, जानने के लिए देखिए हमारी खास पेशकश। स्वदेशी रक्षा उद्योग के लिए एक प्रमुख बढ़ावा देने के लिए भारत एयर इंडिया के विमान से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित करने के लिए 6 नए एयर बोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल विमान को बनाने जा रहे हैं, जो सीमाओं के साथ वायुसेना की निगरानी क्षमताओं को और बेहतर बनाने के लिए है। सरकारी सूत्रों ने कहा कि 10,500 करोड़ रुपए की परियोजना के तहत DRDO द्वारा विकसित किए जाने वाले AEW और सी ब्लॉक 2 विमान पर चर्चा के अनुसार 6 महीने एयर इंडिया के बेड़े से हासिल किए जाएंगे और एक रडार के साथ उड़ान भरने के लिए संशोधन किए जाएंगे, जो 360 रक्षा बलों के लिए डिग्री निगरानी क्षमता रखेगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने पहले एयरबस 330 विमान पर 6 एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम AWACS बनाने की योजना बनाई थी, जिसके लिए कुछ सुविधाओं को बेंगलुरु में बनाने की योजना थी। सूत्रों ने कहा कि योजनाओं के अनुसार 6 नए विमानों को रडार को स्थापित करने के लिए, विमानों के संशोधन के लिए मूल्य उपकरण निर्माताओं को एक यूरोपीय गंतव्य के लिए भेजा जाएगा। DRDO द्वारा प्रदान किए गए 2 NETRA विमानों ने हाल के संघर्षों में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, जहां वो दुश्मन गतिविधि पर नजर रखने के लिए बड़े पैमानों पर उड़ते गए हैं। खैर, आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वायरल वर्सेस फैक्ट न्यूज ने क्विज कॉन्टेस्ट शुरू कर दिया है। आगे की जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।